गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि आज मेरी वैक्सीन है और मुझे, वैसे तो मैं रेडी हूँ पर मैं मेरे बालों को भी थोड़ा सा स्टाइल करने वाली हूँ क्योंकि आज गर्मी वाला दिन है और ऐसे बाल मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो क्विकली मैं मेरे बालों को स्टाइल कर लूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और मेरी वैक्सीन के लिए मैं जा रही हूँ। मेरी वैक्सीन बर्लिंगटन में किसी चर्च में होने वाली है जहाँ पर मास वैक्सीन हो रही है। एक्चुअली आज मेरे हस्बैंड की भी वैक्सीन मेरे साथ ही थी पर पहले उन्होंने अपनी डोज एक पहले ले ली है कुछ दिन पहले, एंड इस वजह से सिर्फ मेरी ही वैक्सीन है आज। एंड आई थिंक वो व्लॉग आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। और मैंने सिम्टम्स के लिए अपडेट नहीं किया, मेरे हस्बैंड को कोई सिम्टम्स नहीं आए खास, लाइक फीवर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनको। बस उनकी जो जिस आर्म में इंजेक्शन लिया था वो थोड़ी हैवी हो गई और थोड़ी सी पेन थी कि उस पर वो वेट डाल के सो नहीं सकते थे तो दूसरी साइड पर सोए। बस ये ऐसा ही एक दो दिन रहा वो, देन नॉर्मल हो गया। सो आई डोंट नो मुझे कैसे सिम्टम आने वाले हैं। सो यस, जल्दी से रेडी होती हूँ। अगर मैं आपको नहीं मिलूँगी तो आपको मैं रास्ते में मिलती हूँ या फिर मैं वैक्सीन करवाते हुए कोशिश करूँगी मैं वीडियो शूट करने की। सो यस, आई बी बैक, बाय। ओके, एक नन्ना से अपडेट देने के लिए आ गई हूँ मैं। अगर आपको टोरंटो GTA के अराउंड आप घर खरीदना है या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उनके साथ फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। सो यस, ज़रूर से उनको कॉन्टैक्ट करें, वो आपको आपका प्यारा सा घर खरीदते हुए मदद करें। वैक्सीनेशन हो चुकी है यहाँ पे, ऐसे इंजेक्शन की पेन नहीं हुई बिल्कुल भी। और बिकॉज हमने इतनी बड़ी बड़ी सिरिंजेस लगा के रखी हैं इंडिया में तो ये पिद्दी से आई है। सो 15 मिनट वेट की मैंने वहाँ पे इंजेक्शन लगाने के बाद कि कोई इमीडिएट एलर्जी अगर होगी तो फिर देखा जाएगा, पर हुई नहीं। वैसे नर्सेज भी थी वहाँ पे और उसके बाद भी कह रहे कि एक दो दिन में भी हो सकती है कोई एलर्जी सिम्टम्स। एंड बाकी जो इसके सिम्टम्स हैं लाइक जॉइंट पेन, बॉडी एक, टायर्डनेस, फटीग, ये मुझे नॉर्मल भी रहता है। अगर मुझे होगा भी तो मुझे पता नहीं चलेगा अनलेस इसको एंड उसको प्लस करके एक्सट्रीम हो जाए तो। फीवर नहीं होता है मुझे, फीवर पता नहीं, डाउट है मुझे होगा या नहीं, या नहीं आपको अपडेट करूंगी मैं। सो वैक्सीनेशन डन है, अब हस्बैंड गए हैं किसी से मिलने के लिए क्विकली और उसके बाद हम कुछ खाने वाले हैं। घर से हम कुछ भी खा के नहीं आए, सिर्फ चाय पिए। सर हिम्मत ने हम अपना मील खा लिया था। यस, हिम्मत भी हमारे साथ आया है। पहले तो मैं अकेले आ जाती पर मैं इनको इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि कई बार मुझे डिजी हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर कहीं ना लो हो जाता है तो फिर डिजी में मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि पति आ जाए। सो पति आएंगे तो मीमी भी आएगा। देयर इज माय पिद्दी वैक्सीन थी। मैंने नर्स को कहा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। उसने कहा कि या इट्स ओके, यू कैन डू इट। सो सिक्योरिटी वाली गर्ल आगे कह रही कि वीडियो नहीं बना सकते, देखो देखो हर तरफ पोस्टर लगा है, ब्ला ब्ला ब्ला, पोस्टर लगा हुआ था एक्चुअली। पर मैं सो सिक्योरिटी वाली गर्ल ने कहा कि तुम वीडियो नहीं बना सकते, डिलीट करो। मैंने कहा कि ओके ओके इट्स डन डन, करी नहीं मैंने दिखा मैंने दिखा। देन शी सेड गुड जॉब। ओके, सो क्रेजी डैडी इज बैक। ओके, सो वैक्सीन लगने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। सो हमने यहाँ पार्क में बैठ के बर्गर खाया है। आई नो वियर्ड है पर ये बर्गर किंग का जो नया बर्गर है ना नेशनल, वो बहुत ही अच्छा स्पाइसी बर्गर है, लाइक स्पाइसी जैसा इंडियन स्पाइसी। मैं पूरा तो खा नहीं पाती हूँ, थोड़ा ही से खा पाती हूँ। वैसे जो साइड साइड का ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है मैं खा लेती हूँ, मिडल वाला पार्ट पति के लिए छोड़ देती हूँ। सो हमने यहाँ पे बैठ के पिकनिक मनाई है, अब हम डन हैं। सो हम लेक शोर पे हैं तो थोड़ा सा लेक के पास घूम लेंगे एंड देन देखते क्या करते हैं। आज कितने समय के बाद, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे लग रहा है अराउंड 1.5-2 साल के बाद हिम्मत पार्क में राइड्स ले रहा है। तो हमने कहा कि यार ला ला इट्स ओके, क्योंकि पार्क में कोई भी नहीं था
अब थोड़े लोग आ गए, हमने वहाँ पे बैठ के पिकनिक मनाई है और अब मन कर रहा है कि कहीं से ठंडी कॉफ़ी मिल जाए ना मनाइए। ये हमारी परमानेंट ब्लैंकेट हो चुकी है पिकनिक की। हिम्मत राइड्स पे मजे कर रहा है, उसे बुलाया जाएगा। हिम्मत लेट्स गो, टाइम टू गो, कम छोटा जा पक्का मीनू को देखने। If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. Things are getting crazy, lately I'm in hazy. Oh, and I've been praying someone will come and save me. The birds are flying south, I'm frozen in my doubt. Got no way to go from here, so I'll stick around. Just for a moment, I can't put this down. Baby, just for a moment, drown these voices out. Slow burn, mind is a world away. हिम्मत एंड हस्बैंड उसे यहाँ पे प्ले कर रहे हैं पत्थरों के साथ, पानी के साथ। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। आवाज़ का मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी विंडी है। ज़्यादातर मैं मास्क पहन के रखती हूँ, एक तो हमारी सेफ्टी है, एक मास्क के साथ आपका चेहरा ज़्यादातर कवर रहता है, तो सनस्क्रीन अगर नहीं भी लगाई हो तो चल जाता है एक दो। और तीसरी चीज़ है कि मुझे सीजनल एलर्जीज भी है और उससे भी मुझे मदद हो जाती है। मैं अदरवाइज मेरा जो नोज है कंजस्ट हो जाता है बहुत बुरी तरह। तो यहाँ पे बहुत बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा काम भी सही है। हमारा एवरी डे काइंड ऑफ रूटीन हुआ करता था समर्स में इस लेक शोर पर वॉक करने आना, पर काफ़ी समय से हम नहीं आ रहे हैं। तो यही अपडेट गाइस, मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है मेरे पास। I'm gonna figure him out at another time. This moment is mine, this moment is mine. If I remember to breathe and just let it be. Lightning stricken cactus and it starts to rain. The smell of steamed asphalt scented Novocaine. Nature's brew of all kinds of things. The mountain sunk hill sky color schemes makes you forget about all types of things. You remind me of the Arizona thunder. Satisfy the times and make you about the bigger picture in your life, the simple times in the Arizona thunder, the Arizona thunder tonight. सब मैं बाहर आ चुकी हूँ जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। यूजली हमें यहाँ कभी भी पार्किंग नहीं मिलती है, पर बिकेज ज़्यादा लोग नहीं है तो पार्किंग मिल गई है। हस्बैंड एंड हिम्मत अभी भी उसी जगह पे समय स्पेंड कर रहे हैं। मैं आस पास अल्तू फालतू से प्यारे प्यारे पौधे देख रही हूँ, नॉट अल्तू फालतू, क्यूट से जो नेचुरल हो जाते हैं, एंड उनकी वेट कर रही हूँ। उनको मैंने इशारे तो किए हैं चार पाँच की आ जाओ वो आ जाएंगे। सो तब तक मैं इधर उधर लोग का झाँक झाँक करती हूँ क्या कर रहे हैं लोग। तो अगर कुछ दोस्त पूछने वाले हैं ये स्पेशल ट्रेल कौन सी है, तो ये है लैरी केन ट्रेल टाउन ऑफ ओकविल। सो यहाँ से वहाँ बहुत सारे प्लेसेस हैं समय स्पेंड करने के लिए ना। हाय फ्रेंड्स, सो यू गाइस कैन सी दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इन माय हेयर एंड आई गॉट इट फ्रॉम हिम, आई गॉट इट फॉर मी। और जब मैंने इसे लगा लिया मेरे बालों में तो मुझे कह रहा है कि तुम लगा के बिल्कुल टीनेजर लग रही हो। टीनेजर ब्यूटीफुल होंगे ना, मम्मियां ब्यूटीफुल नहीं होंगी दसो तेन। यू लुक लाइक 60s। लेट्स गो टू पॉज़ करो। मैं बनाने वाली हूँ करेले, अभी तक तो मैं ठीक हूँ तो मैंने सोचा बना ली। सरसों का तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और करेले ऑलमोस्ट रेडी हैं। इनको वैसे मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लूँगी ताकि। और दोस्तों, तो करेले को रेडी मैंने कल शाम को कर लिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं घर जाके बना पाऊँगी या नहीं, पर करेले मेरे रेडी थे, मैंने उनको छील लिया था और बहुत सारे करेले अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे तो इनके बीज भी मैं यूज़ कर लेती हूँ मसाले के लिए। एंड उसको प्यार से नमक लगा के हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे।
never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle, but I lost my way back then. Pani aur se nikal jaye. तो उसके बाद मैं साले के लिए मैंने अनियन यूज़ कर रही हूँ, और जो मैंने करेले का छिलका उतारा था ना उसी में मैंने बीज को भी डाल के ग्राइंड कर लिया है लाइक ऐसे, ताकि मसाला बढ़ जाए. और वैसे भी इसमें काफ़ी करेले का फ्लेवर होता है तो अच्छा लगता है. और जब भी ये मैं डाल लूँगी उसके बाद मैं इसमें टमाटर एंड हरी मिर्च का भी मिक्सचर सा रेडी कर लूँगी मसाले के लिए. सो ऐसे स्क्वीज करके हम करेले का पानी निकाल लेंगे. तेल गर्म हो चुका है और मैं गैस बंद कर दूंगी ताकि फिर ना थोड़ा ठीक हो जाए. मैंने सोचा कि हस्बैंड को बुला लेते हैं इसमें पानी निचोड़ने के लिए, पर उन्होंने नहीं कह दिया दोस्तों. ओके भाव इन्होंने छोड़ दो प्लीज. गाइस मेरे हस्बैंड को करेले इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर फिर भी वो पाँच छः खा ही लेते हैं, नहीं अच्छे लगते लगते. ओके सो अब इनको हम ऑयल में डाल देंगे. So let me say, I never meant to be trouble. I never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle. But I lost my way back then. No more fighting and hurting. लुक एट दिस खूबसूरत करेले बच्चे. तो अनियन का जो मसाला मैं स्टफिंग के लिए तैयार कर रही हूँ उसमें कम ऑयल ऐड हो, इसलिए पहले हम अनियन का पानी अच्छी तरह सुखा लेंगे तब कम तेल ऐड करेंगे करेले में. वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट देयर, करेले हो ही रहे हैं. मैं थोड़ी और कुक करूँगी जब तक पतले पतले नहीं हो जाते. और मसाला भी रेडी करना मैंने शुरू कर दिया स्लो कुक कर. Of you and I in your sweats, how'd you make me feel so nice? Now okay, दोस्तों ते हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है. एंड करेले के साथ मैंने ये आलू भी कर लिए क्योंकि वो भी अच्छे लगते. काटते समय ही मैंने थोड़ा सा इसमें कट लगा लिया था ताकि बाद में ऐसा नहीं हो. सो इसमें भी थोड़ा सा मसाला ऐड कर देते क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं. क्योंकि कईयों को करेले अच्छे नहीं लगते तो वो आलू खा सकती हूँ. सो इसी तरह मैं करेलों को भी फिल कर लूँगी जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा कम जैसे भी. सो हम ऐसे इसको भर लेंगे और इसी पैन की साइड में मैं रख दूँगी क्योंकि ये पैन गर्म है तो मसाला एंड जो करेले हैं एक दूसरे के साथ ही बन जाएंगे थोड़े. जब मसाला रेडी हुआ था तो मैंने इसमें अमचूर भी ऐड कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा खट्टा खट्टा अच्छा लगेगा. प्यार के साथ इनको फिल करें. करेले मैंने इतने कम बनाए हैं, लग रहा है कि बहुत सालों से मेरा ये करेले का काम ही नहीं फिनिश हो रहा. करेले काफ़ी मेहनत का सौदा है. हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ मी. और मैं रोटी बनाने वाली हूँ. अभी मेरे आर्म में पेन होने शुरू हो गई है पर मैं सोचा कि जो नहीं बनाए तो भूखे रह जाऊँगी. सो रोटी बना रही हूँ मैं और ये मेरा कल का मेरे पास मूली का मिक्सचर है. तो हस्बैंड को करेले लेने पसंद नहीं है तो मैंने उनको मूली पराठा बनाया है और उनका पराठा देख के मुझे भी लाना चाह गया. मेरा भी मन कर रहा है एक बना लूँ. सो पतला सा एक पराठा बना लूँगी मैं अपने लिए. सो उसके करेले के साथ खाएंगे एंड देन आई एम गोना गो अपस्टेयर टू रिलैक्स. एक्चुअली मूली पराठा इसलिए भी मेरा खाने के लिए मन है क्योंकि मेरे पास ना वाइट मक्खन भी है. सो इसलिए मैं सोच पराठा खाने लगे. किचन को मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर लिया है. आज क्लीन करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि रोज़ की क्लीन करते वीडियो बनाओ एंड नाउ आई एम वेरी टायर्ड एंड बांह की दर्द भी थोड़ी बढ़ गई है. पांडे मांझ लिए मैंने और शेल्फ को क्लीन करने वाली हूँ मैं और उसके बाद आराम करती हूँ. हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं.
सोचता था इसी तरह हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है, मेरी किचन क्लीन है, अब मैं जाके आराम कर सकती हूँ, स्किन केयर करूँगी जल्दी ही क्योंकि आर्म में दर्द थोड़ा ना बढ़ रहा है, सो इससे पहले कि ज़्यादा हो तो पहले ही मैं क्लीन कर लेती हूँ अपने चेहरे को, और हिम्मत को फीड करना भी बाकी, एक्चुअली पहले हिम्मत को फीड करूँगी, उसके लिए मैंने थोड़े से नमकीन चावल बनाए थे अन्ने से, वो दही के साथ खाएगा, वो कुछ भी खाना नहीं चाहता है, करेले खा के तो बच्चों का वहीं खाने के लिए मन मुक जाता है कि कुछ भी नहीं खाएंगे, सो उसे खिलाऊंगी और उसके बाद वो आइसक्रीम खाना चाहता है, देन आई एम डन फॉर। आई होप आपने ये हल्का फुल्का मेरा वैक्सीनेशन वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे बहुत सारे मेरे एवरीडे लाइफ वाले व्लॉग्स आने वाले हैं, मेकअप वीडियोस, फैशन वीडियोस और भी बहुत सारी वीडियोस, सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेल को भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी नई वीडियो आ चुकी है, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, easy peasy lemon squeezy, bye love.